हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका वैनिटी। तो आज की मोनिका की वैनिटी में वो हेयर केयर। तो आप अभी ये मेरे लहराते हुए बाल को देख रहे होंगे, ये पॉसिबल हो पाया है बस घर के कुछ बेसिक सामान से, जो आपके घर पे आपके क्या सभी के घर पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना और आपको ऐसे सुंदर लहराते बाल आराम से मिल जाएंगे। कि मेरा बाल इतना अच्छा एकदम सॉफ्ट हो गया है और इसमें लॉन्ग हो चुका है। तो अगर चलिए आपको मैं अपनी ये रेमेडी दिखाती हूँ कि मैं अपने बालों को किस तरह से हेयर एकदम केयर करती हूँ। मैं कोई भी कलर, कोई भी बाहरी चीज़, कोई भी स्पा वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। बेसिकली हम लोग घर पे आज बनाएंगे स्पा की क्रीम। तो और वो बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत ही कम टाइम में बनता है, मात्र 10-20 रुपए के खर्चे में ये बहुत ही आसानी से मिलता है। और ये बाल मेरे देखिए कितने अच्छे, कितने मुलायम और कितने घने हो चुके हैं। दो बच्चों के बाद भी बाल इस तरह से होना कोई मामूली बात नहीं है, कोई आसान बात नहीं है। लेकिन मैंने ये आसान किया है और कैसे किया है, आइए मैं आपके साथ में आगे चल के दिखाती हूँ। बहुत ही आसान रेमेडी है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फर्स्ट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे आइडियाज़ लाते रहती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की। इसे बनाने के लिए बेसिकली देखिए, ये जो हमारा रात का बचा हुआ चावल होता है ना, या फिर आप सुबह में भी बना के रखे हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने रात की बची हुई चावल ली है, मतलब एक दिन पहले की। और देखिए 2 चम्मच के लगभग में मैंने दही लिया है। और फिर यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एलोवेरा का जेल, जो मेरे पास पतंजलि का था। अगर आपके पास में पेड़ है तो और भी अच्छा है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके पास में नहीं है कोई भी चीज़ तो आप उसको स्किप कर सकते हो। और हेयर ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो, मैं देखिए पैरासूट का अनियन फ्लेवर का यूज़ करती हूँ। तो उसको सबको मिला के एक बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। अगर आपके पास में एलोवेरा का जेल नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए पेस्ट एकदम से रेडी है। अब इसको क्या करेंगे कि हम लोग अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। अगर आपने हेयर ऑयलिंग पहले कर रखी है तो फिर हेयर ऑयल वहाँ पर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हेयर ऑयलिंग नहीं कर रखी है तो आप थोड़ा हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हो। और फिर 2 पाटे में इस बाल को अच्छी तरह से हम लोग को भाग कर लेना है। और सुलझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुलझाने से फिर क्या होगी ना कि बाल एक एक जगह पे लग पाएगा। तो देखिए ये हमारा ये रेडी हो चुका था। अब इसको हम लोग अपने बालों पर अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही दाब दाब के अप्लाई। लगाने के बाद में कम से कम 2 घंटा मैंने रखा है। देखिए ये पूरी तरह सूख चुका है। अब मैं इसको वॉश करूँगी। तो वॉश करने के लिए मैं देखिए सिंपली एक क्लिनिक प्लस का शैम्पू और ममार्थ का ऑनियन का हेयर कंडीशनर यूज़ करती हूँ। अभी मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरे बालों में ऑलरेडी सीएल। फाइनली मैंने हेयर वॉश कर लिया है और अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊँगी। रिज़ल्ट तो ऑलरेडी मेरे पास में पहले से ही शो है, बट मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कितना सॉफ्ट हो जाता है और कंघी करते हुए बाल भी नहीं टूटता है। और ये इसका उपाय भी बहुत जल्द बताऊंगी। इस पर भी एक वीडियो बनेगा कि ये मिनटों में कैसे हट सकता है एक बार के यूज़ से। इसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है।